पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने कभी भगवान राम पर, कभी रोजगार और कभी शहीदों के नाम पर लोगों से मांगे वोट। सतपाल मलिक ने उजागर किया बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद। सतपाल मलिक ने बीजेपी की खोली पोल, इसलिए उन पर की गई ईडी की कार्रवाई। कप्तान अजय ने कहा वो लालू यादव के समधी है, इसलिए ईडी दो बार उनके घर भी मेहमान बन चुकी। कहा ब्रिजभूषण के घर भी चलाए योगी सरकार बुलडोजर, धरने पर बैठी बेटियों को न्याय दें और ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। जातिगत जनगणना कराने की मांग। रेवाड़ी जिले के बावल में की जनसभाएं। 7 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ओबीसी सेल के चेयरमैन है कप्तान अजय सिंह यादव। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने कभी राम के नाम पर, कभी 2 करोड़ रोजगार के नाम पर तो कभी शहीदों के नाम पर वोट हासिल किया है। वर्ष 2019 में बीजेपी ने पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद की सच्चाई बयां कर दी है। उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक ने सच कहा, इसलिए उन पर ईडी की कार्रवाई की गई। कप्तान अजय ने कहा कि वो लालू यादव के समधी है, इसलिए उनके घर भी ईडी दो बार मेहमान बन चुकी है। बता दें कि कांग्रेस 7 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव कांग्रेस ओबीसी सेल के चेयरमैन हैं, इसलिए वो लगातार अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं। कप्तान अजय यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराना बेहद जरूरी है, तभी पिछड़े को उसका हक दिया जा सकता है। पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने कहा कि यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण को तुरंत गिरफ्तार कर और बजरंग बली जी ने जो सोटा लगाया है उससे बीजेपी की टांग ऊपर हो गई, और जिस तरीके से इन लोगों ने पहले भगवान राम का नाम भी लेकर वोट ले गए थे, कभी ये जो है 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख देंगे आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, इसके नाम पर झूठ बोलकर 2014 में आ गए थे, और 2019 में पुलवामा जो के जो शहीद हुए थे उनके ऊपर राजनीति कर बेशर्म लोगों ने उनके ऊपर भी राजनीति करी, जबकि सतपाल मलिक जी ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी 2 घंटे तक टाइगर शो देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी इस बात का स्पष्ट करें कि आप 2 घंटे तक टेलीफोन से, मोबाइल से आपकी जो एनआईए है, आपकी आपका जो सारा तंत्र है, उसने आपको क्यों नहीं बताया कि हमारे जवान शहीद हो गए, आप टाइगर शो क्यों देखते रहे, कोम के ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो, बदमाश की और गुंडों की और बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर आपने साहस दिखाओ, आप क्यों नहीं आप इस ब्रिजभूषण को आप अरेस्ट करते हैं, हमारी जो बेटियां हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, बजरंग, ये सब धरना पे बैठे हैं, देश का हमारे गौरव है, वो उनके गौरव के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ईडी वाले तो मेरे भी मेहमान बन चुके हैं 2 बार, ठीक है, क्योंकि लालू जी का समझी हूं मैं। सतपाल मलिक जो है उसने जो है इनकी पोल खोल दी, जो राष्ट्रवाद जो इनका झूठा राष्ट्रवाद था उसकी पोल खुल गई, कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, कभी देश की आजादी में हिस्सा लिया है लोगों ने, बता दो किसने, इन्होंने अगर उंगली भी का एक खतरा भी इन्होंने अगर बहाया हो देश के लिए तो इसे तो ईडी सीबीआई सब कुछ जाएंगे उनके यहां पर। सतपाल मलिक को आज जो है ये जुडिशरी को भी चैलेंज करने लग गए, सीजीआई को कह रहे हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं था सीईसी सिलेक्ट करने के लिए, सीजीआई और जो है विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री रिजिजू जी ने कहा है, जो विधि मंत्री हैं, कि आपको अधिकार नहीं हमारा अधिकार नहीं, ये तो जुडिशरी को भी चैलेंज कर रहे हैं। रह गया ये देश के अंदर जुडिशरी नहीं रही तो देश बर्बाद हो जाएगा।